बोले कि आप लोग कब पढ़ रही हैं, ये क्या बोला था आई एस एल एम पूरा कॉल। आवाज आ रही है? हेलो, आ रही है। बोलिए। हाँ बोले कि आप लोग कब पढ़ रही हैं आई एस एल एम का जो है पूरा। तो सर कल पढ़ाए थे ना। कितना बच्चा पढ़ते हैं सर के पास? अरे शाम को पढ़ाए थे 7 बजे से। हाँ शाम में पढ़ाए थे कल आईएस तो आई आप इधर लोग आईएस। आप शाम को क्लास नहीं लेती हैं क्या? नहीं नहीं, हम तो सर सिर्फ 11 और 1 बजे लेते हैं। नहीं शाम में नहीं सात तो बजे से भी शाम को भी लेते हैं, जो 11 बजे पढ़ाते हैं उसके बाद 7 बजे वाले में पढ़ा देते हैं। सर बोले हैं ऐसा हाँ जी। तब हाँ ग्रुप से। अरे वो निर्देश प्रणाम दिए थे सर। सर। प्रणाम सर। गुरु जी प्रणाम। गुरु जी प्रणाम। खुश रहो खुश रहो, ऑफिसर बनो। प्रणाम सर। धन्यवाद सर आपका। प्रणाम सर। खुश रहो। हम लोग अभी पढ़ेंगे कार्टेल। ओलिगोपोली में आपको समझा दिए हुए हैं उसका पार्ट्स। ओलिगोपोली का 2 पार्ट में बांट जाएगा। और उस अमितेश म्यूट करो, उमेश चंद्रा म्यूट कीजिए, म्यूट करके वीडियो खोलिए। सर जी आपको फोटो नहीं दिखाई दे रहा है? मेरा फोटो नहीं दिखाई दे रहा है? है दिखाई दे रहा सर, आपका फोटो दिखाई दे रहा है, मेरा सर तो दिखाई दे उमेश रहा है, किसका? हम नहीं दिखा, नवनीत का नहीं, न किसी का नहीं दिखाई दे रहा है। नवनीत का सर दिखाई का दे तो रहा है। दे रहा है, सब दिखाई दे रहा हाँ है। सर। अरे सबका दिखाई दे रहा है, और नवनीत का दिखाई दे रहा है, प्रियंका का, हरि गोविंद का, राजू का, सुनीता का, उमेश चंद्रा का, अमितेश करण का। तुम्हारा तुमको दिखाई दिया कि नहीं? उमेश नहीं चंद्र सर तो तुम म्यूट जी, करो ना, नहीं म्यूट आप म्यूट दिख रहे करो। हैं। तुमको हम लोग देख रहे हैं, किताब पढ़ रहे हो, दिखाई दे रहा है। और तुमको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है? प्रणाम है? सर खुश रहो खुश रहो। नहीं सर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो तुम्हारे साइड क्या गड़बड़ी हो? चश्मा पहने हुए हो? लीजिए निकाल लिए चश्मा। सबको दिखाई दे रहा है तो तुमको क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? सेट में नहीं कुछ दे रहा प्रॉब्लम? सर। आप अपना एक बार लीव करके फिर ज्वाइन करिए। आ गए भैया, दिखाई दे रहे हैं आप अभी को। सुनीता दीदी दिखाई दी। गया
हरिओम जी सर, तुम लिस्ट भेजो ना तुम्हारा हमारे व्हाट्सएप पर, व्हाट्सएप पर नहीं है नंबर। प्रणाम सर, व्हाट्सएप पर नंबर पर तुम भेजो। जी सर, नंबर है ना, व्हाट्सएप पर भेजो, व्हाट्सएप पर हम लिस्ट बना के भेज दो हमको, उसको टेकअप करेंगे, समझे। हरिओम म्यूट कीजिए, सुनीता म्यूट करो, हरिओम म्यूट करो। हम लोग आज कार्टेल पढ़ेंगे, कार्टेल अल्पाधिकार का महत्वपूर्ण तरीका है, अल्पाधिकार में कार्टेल का सबसे ज्यादा महत्व है। कार्टेल का अर्थ होता है एक ऐसा संस्था जिसका सब फर्म मेंबर बन जाता है, ऐसा संस्था जिसका सब फंड सब जो है मेंबर बन जाता है, और उसका एक तरह से समझिए कि कार्टेल एक तरह से मोनोपोली का बिहेवियर करेगा। जितना फर्म है, दो गो तीन गो चार गो, जो कॉलगेट बेचता है, टूथपेस्ट बेचता है, दंत कांति बेचता है, बबूल बेचता है, मेसबाक बेचता है, सब क्या करेगा कि अपना वस्तु जो है आप पेटेंटेड नहीं, आवाज सुनाई दे नो सर? नहीं सर। लाइन कट जा रहा है बार बार। आवाज सुनाई दे रहा है? जी सर, आवाज जी सर, जी सर आ रहा। लाइन कट गया था, फिर जहां पढ़ाना शुरू करते लाइनें कट देते हैं। कार्टेल एक ऐसा संस्था है जो होमोजेनस वस्तु का उत्पादन होता है। वस्तु दो तरह का होता है, होमोजेनस और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। वस्तु समरूप होगा
और दूसरा वस्तु जो है वस्तु विभेद किया हुआ रहेगा। तो हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं ओलिगोपोली अंडर होमोजेनस प्रोडक्शन, लिख लीजिए ओलिगोपोली अंडर होमोजेनस प्रोडक्शन, लिख लीजिए हिंदी में बोल दीजिए, लिख लीजिए ओलिगोपोली अंडर होमोजेनस प्रोडक्शन। समान समरूप वस्तु, समरूप वस्तु अल्पाधिकार संतुलन। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। समरूप वस्तु में अल्पाधिकार, समरूप वस्तु में अल्पाधिकार में मूल्य निर्धारण, हम लोग जो पढ़ रहे हैं इसका नाम है ओलिगोपोली अंडर होमोजेनस प्रोडक्शन। अंग्रेजी हिंदी हम दोनों बोलेंगे, व्यग्र मत होइए, अंग्रेजी बोलते हैं सुनिए उसको और प्रॉप नहीं कीजिए कि हिंदी बोलिए, ये सब जो है बच्चा वाला आदत है, समझे उमेश चंद्रा। अंग्रेजी जब टर्म बोल रहे हैं तो उसको भी लिखिए, फिर अंग्रेजी से हिंदी बोल रहे हैं उसको भी लिखिए, ज्ञान को बढ़ाना है कि जहां है वहीं रहिएगा। तो अंग्रेजी में क्वेश्चन पढ़िए हिंदी में पढ़िए तो कंफ्यूजन नहीं होगा। अंग्रेजी में क्वेश्चन रहेगा प्राइस डिटरमिनेशन अंडर होमोजेनस प्रोडक्शन, प्राइस डिटरमिनेशन अंडर होमोजेनस प्रोडक्शन अंडर ओलिगोपोली, प्राइस डिटरमिनेशन अंडर होमोजेनस प्रोडक्शन अंडर ओलिगोपोली, और तरीका होगा इसका हिंदी हो जाएगा अल्पाधिकार में समरूप वस्तु का मूल्य निर्धारण, अल्पाधिकार में समरूप वस्तु का मूल्य निर्धारण। हिंदी में क्या होगा उमेश चंद्रा, बोलो हिंदी में क्या लिखे हो? अल्पाधिकार में समरूप वस्तु का मूल्य निर्धारण। अंग्रेजी में क्या लिखे हो? नहीं लिखे थे सर। तो लिखो ना भाई, अंग्रेजी में लिख लोगे परीक्षा मत लिखना, लेकिन कम से कम ओलिगोपोली टर्म तो जान जाओगे ना। प्राइस डिटरमिनेशन अंडर होमोजेनस प्रोडक्शन अंडर कार्ट अंडर ओलिगोपोली, वर्ड को डिक्शनरी में देखिए, गूगल में पूछिए, बताएगा कि इससे क्या होगा कि आप में परिवर्तन आएगा, कि खूंटा ठोक के बैठ गए कि अब यहीं पर आएंगे, न बाएं हटेंगे न दाएं हटेंगे। मिनिमम शब्द अंग्रेजी का उपयोग करते हैं जो जरूरी है हिंदी वाले को जानना, क्वेश्चन पेपर पढ़ते समय में वो शब्द नजर आएगा तो उसको लगेगा कि ठीक है, ठीक समझ लेगा। उसका लिखाएगा कार्टेल में मूल्य निर्धारण,
कार्टेल में मूल्य निर्धारण। उमेश चंद्रा म्यूट करो। किसका म्यूट नहीं है, म्यूट करो भाई किसी का। म्यूट करके रखिए हर आदमी। अल्पाधिकार में मूल्य निर्धारण में कार्टेल विधि और यहाँ समरूप वस्तु होता है। वस्तु कैसा होता है? समरूप होता है, वस्तु विभेद नहीं होता है, वस्तु विभेद नहीं होता है, समरूप रहता है। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अनित कुमार क्या समझे? मूल्य निर्धारण होगा तो वस्तु का, वस्तु किस तरह का रहेगा? समरूप होगा सर, इसमें क्या होगा? समरूप रहेगा सर, होमोजेनियस रहेगा। करेक्ट, एकदम करेक्ट। उमेश चंद्रा तुम बोलो, वस्तु के, वस्तु का क्या रूप रहेगा? समरूप वस्तु रहेगी सर। महेंद्र कुमार तुम बोलो। अल्पाधिकार में जब एकदम एक समान का वस्तु हो, कोई पेटेंट राइट कॉपी, पेटेंट राइट नहीं हो, एकाधिकारी का कोई बात नहीं हो, आपस में प्रतियोगिता होगी। जितना भी पेट्रोल का कुआं है, पेट्रोल निकाल के बेचेगा, आपस में प्रतियोगिता करेगा। तो आपस में प्रतियोगिता करने पर उसकी कीमत बढ़ेगी कि घटेगी? घटेगी सर, घटेगी सर। अगर मिल जाएगा सब आपस में तो मूल्य बढ़ेगी कि घटेगी? तब बढ़ा भी सकता, बढ़ेगा, एक बैलेंस करेगा सर, सब मिलकर तो उन प्रतियोगिता से तो बढ़ ही जाएगा तरह तरह। तो इसलिए कहता है कि समरूप वस्तु जब रहेगा तब ओलिगोपोली में मिल जाएगा सब आपस में, क्योंकि मूल्य विभेद का इसमें है नहीं कि पेटेंट राइट ले लेंगे। सबका पेट्रोल है, सबका सीमेंट है, सबका स्टील है। उसी तरह से अनाज है, गेहूं का बाजार है, चावल का बाजार है, चीनी का बाजार है। तो समरूप वस्तु जब रहता है तब फर्म आपस में मिल करके एक संगठन बनाता है, एक केंद्रीय समिति बनाता है। उसी केंद्रीय समिति का नाम है कार्टेल। कार्टेल का अर्थ होता है समरूप वस्तु बेचने वाले फर्मों का एक समूह, एक ग्रुप अपना समूह तैयार कर लेता है। जी सर। सभी बेचेगा लेकिन मूल्य का निर्धारण करेगा समूह। मूल्य का निर्धारण कौन करेगा? समूह करेगा। तो समूह शब्द नहीं है, कार्टेल। समूह शब्द नहीं बोल के इसको क्या बोला जाता है? कार्टेल बोलेंगे। जोर से बोलिए, कार्टेल, कार्टेल, कार्टेल।
क्या बोलेंगे प्रियंका इसको? कार्टेल का। कार्टेल का क्या अर्थ होता है? सर जब वो वस्तु ओलिगोपोली में जब वस्तु को समरूप वस्तु का जब निर्धारण करेंगे समरूप वस्तुओं का बेचने वाले बेचने वाला का संगठन जो मतलब एक समूह बेचने वाला जो सर संगठन समरूप बेचने वाले उत्पादक का समूह सर विक्रेताओं के समूह को कार्टेल कहते हैं। नहीं नहीं समरूप समरूप वस्तु समरूप वस्तु बोलिए समरूप वस्तु बेचने वाले फर्मों के संगठन या समूह को कार्टेल कहते हैं। जी वस्तु बेचने सम बोल रही प्रियंका सर आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है आवाज? जी सर आ रही है। सर एक लाइन समरूप वस्तुओं का मूल्य निर्धारण हम किसी फॉर्म में करेंगे तो उसी को हम कार्टेल कहेंगे। किसी फॉर्म नहीं समूह समूह फर्मों के समूह को कार्टेल कहेंगे जिसमें को मतलब कुछ फर्म समूह बना लेते हैं मिलकर। सर तुम सुनीता बोलो तो समरूप वस्तु के समूह को कार्टेल का अर्थ है जहां पे समरूप वस्तु बेचने वाले फर्मों के समूह या संगठन को कार्टेल कर। समरूप वस्तुओं के बेचने वाले अल्फाधिकार में आधार अल्पाधिकार बाजार में अल्पाधिकार बाजार में समरूप वस्तुओं को बेचने वाले फर्मों फर्मों के संगठन को कार्टेल कहते हैं। आवाज सुनाई दे रही है? जी सर आ रही है कभी कभी कट भी जा रहा। जी 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 सर इसमें फॉर्म का संगठन समूह ज्यादा नहीं ना होगा ओलिगोपोली है तो कम ही ना रहेगा दो या तीन रहेगा। दो से ज्यादा रहेगा। दो से ज्यादा नहीं बीस तीस भी हो सकता है प्रोडक्ट मान लीजिए। तो ओलिगोपोली का क्या मतलब है कि दो से कम नहीं होना चाहिए? दो से तो ज्यादा रहेगा। कोई कोई जैसे मान लीजिए कि और भी कोई कंपनी है तो उसमें तीन चार से ज्यादा है या फिर दस है तो बहुत ज्यादा भी तो नहीं हो सकता है। नहीं बहुत ज्यादा नहीं हो दो से अधिक दस से कम शायद निश्चित नहीं है संख्या निश्चित नहीं है। पचास भी हो सकता है सर सर भी तो अधिकार में कुछ भी तो कुछ का मतलब निर्धारित नहीं ना है दो दस बीस पचास ऐसे रस बहुत ज्यादा नहीं कुछ का
कुछ का मतलब हो गया दो चार दस हजार दो हजार थोड़ी कुछ कहा जाएगा नहीं हजार दो हजार हजार दो हजार हो गया मार्केट कंपटीशन हो जाएगा उसमें तो मार्केट का ही हो जाएगा मेरी आवाज सुनाई दे रही है जी सर हाँ तो हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं इसमें समरूप वस्तु होगा समरूप वस्तु और बेचने वाले की संख्या फ्यू है फ्यू माने कुछ दो चार पांच छह सात ऐसे है तो पेट्रोल का उदाहरण लीजिए पेट्रोल कुआं बनाने वाला जो है दस गो कुआं है दस गो मालिक है तो दसों मालिक आपस में प्रतियोगिता नहीं करके क्या कर लेगा कार्टेल बनाने हाँ ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑयल एक्सपोर्टिंग कंपनी ओपेक 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 बना लिया कि नहीं बना जी सर बना ओपेक बनाया तो एक संगठन बना लेगा तब उसकी शक्ति मजबूत हो जाएगी और मूल्य भी अपना डिसाइड और आपस में अगर बेचेगा आपस में प्रतियोगिता करेगा तो कीमत गिर जाएगी जी लेकिन वही आपस में समूह बना के कार्टेल बना लेगा और एक सेंट्रल एजेंसी हो जाएगा जो मूल्य निर्धारण करेगा तो पेट्रोल की कीमत कम रहेगी कि ज्यादा हो जाएगी ज्यादा हो जाएगी वही बात वही कार्टेल का काम अल्पाधिकार में समरूप वस्तु को कितना ज्यादा मूल्य दिला दे फर्म को यही काम कार्टेल करता है कार्टेल क्या करता है सारे फर्मों को आपस में मिला लेता है और मिला करके मूल्य का निर्धारण करता है तो अभी हम लोग इसको चित्र द्वारा देखेंगे सर एक लाइन में इसका परिभाषा तो ये भी हो गया अल्पाधिकार में समरूप वस्तु का कुछ फर्म मिलाकर जो मूल्य निर्धारण होगा उसी को कार्टेल कहेंगे कार्टेल संस्था है ना ऑर्गेनाइजेशन है वो मूल्य का निर्धारण करेगा कार्टेल जो है ऑर्गेनाइजेशन है जो मूल्य का निर्धारण करेगा प्राइस डिटरमिनेशन प्राइस डिटरमिनेशन प्राइस डिटरमिनेशन बाय प्राइस डिटरमिनेशन बाय कार्टेल अंडर ओलिगोपोली प्राइस डिटरमिनेशन बाय कार्टेल अंडर ओलिगोपोली सर अमेज़न जैसे है वो भी इसी टाइप का है विथ ऐसे ही क्वेश्चन परीक्षा में रहेगा इसलिए क्वेश्चन बाय ओलिगोपोली विथ प्राइस डिटरमिनेशन बाय कार्टेल एंड ओलिगोपोली विथ होमो होमोजेनस आउटपुट
price determination by cartel under oligopoly with homogeneous production. With homogeneous अल्पाधिकार में कार्टेल द्वारा समरूप वस्तु समरूप वस्तु का अल्पाधिकार में कार्टेल द्वारा समरूप वस्तु का मूल्य निर्धारण उमेश कुमार उमेश चंद्रा जी सर हिंदी में पढ़ो क्या लिखे हैं अल्पाधिकार में कार्टेल द्वारा समरूप वस्तुओं का मूल्य निर्धारण फिर बोलो अल्पाधिकार में कार्टेल द्वारा समरूप वस्तुओं का मूल्य निर्धारण समरूप का अंग्रेजी क्या होगा होमोजेनस होमोजेनस सर हाँ अंग्रेजी ऊपर लिख दिए हैं उसको जी सर बगल में उतार करके याद करके हमको अगले बारे में बताइएगा होमोजेनस का मतलब हो गया समरूप आउटपुट का मतलब हो गया वस्तु समरूप उत्पादन तो वस्तु का उत्पादन जो होता है समरूप रहता है तो होमोजेनस आउटपुट बोलेंगे जहां कहीं भी होमोजेनस आउटपुट होगा वहां कार्टेल बन जाएगा फर्मों के समूह को कार्टेल कहते हैं फर्मों के समूह को अल्पाधिकार में सर आगे लगा दें अल्पाधिकार में आगे लगा दो मिटाना पड़ेगा अल्पाधिकार में फर्मों के समूह को कार्टेल कहते हैं अधिकार फर्मों के समूह को कार्टेल मूल्य का निर्धारण करता है
कार्टेल मूल्य का निर्धारण करता है तथा सभी फर्में इसी मूल्य पर बेचती है। सभी फर्मों को एक मूल्य कार्टेल से मिलता है। और अपने फर्म के आकार के अनुरूप उत्पादन करके वस्तु का विक्रय करती है। उदाहरण में हम केवल दो फर्मों को लेंगे। दो फर्मों को लेंगे और एक कार्टेल रहेगा। दो फर्म रहेगा, एक कार्टेल रहेगा। म्यूट करो, म्यूट करो, किसी का खुला हुआ है। उतार लिए? जी सर। यस सर। यस सर। देखिए, इसमें ये कार्टेल का यार
और ई कार्टेल का एमसी है। नियम क्या होगा? एमआर बराबर होना चाहिए एमसी, एमसी का एमआर को नीचे से काटे। ये फर्स्ट हो गया कि इस बिंदु पर काट रही है, एमसी रेखा एमआर रेखा को नीचे से काट रही है, यहीं पर एमआर बराबर एमसी है, दोनों फॉर्म को कवर कर दिया है, दोनों फॉर्म को कवर कर दिया एक ही प्राइस। दोनों फॉर्म को कवर कर दिया एक ही प्राइस जो है, एक ही प्राइस जो है पी कवर कर दिया। और दोनों को जो है दोनों फॉर्म जो है का संतुलन बिंदु होगा। गौर से देखिएगा, दोनों फॉर्म का प्राइस का रेखा चला गया, दोनों फॉर्म को संतुलन का रेखा चला गया। अब ई फॉर्म जो है ये है इसका एमसी, ई फॉर्म का ई है एमसी, ईएमसी ए का है, ईएमसी बी का है। चित्र बना लिए आप लोग? ठीक इस तरह बनाइए। बना लिए? जी सर। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। रेखा प्राइस डिटरमाइन होता है, ये प्राइस उस
चित्र दिखाई दे रहा है सुनीता? यस सर दिखाई दे रहा है। वो पहला वाला कट गया था, दूसरा फिर बनाना पड़ा आपको। जी जी जी। अब देखिए, अब इतना बात पहले भी बनाए थे, अभी एक नया नया लाल रंग का एक रेखा खींचे रहे हैं। इस रेखा का नाम है एवरेज कॉस्ट और पहलका का नाम होगा मार्जिनल कॉस्ट। पहलका का नाम होगा मार्जिनल कॉस्ट, लाल वाला नया खींचे हैं, इसका नाम होगा एवरेज कॉस्ट। ये है आपको फॉर्म ए, ये है फॉर्म बी, ये क्या लग रहा है कार्टेल को ही ऐसी है, कार्टेल का एमसी है, कार्टेल का एआर है, कार्टेल का एमआर है। एमआर बराबर एमसी, एमआर बराबर एमसी और नीचे से काट दिया। इसमें एसी ये दोनों है, कार्टेल में एसी से नहीं, उसमें नहीं हो, एसी नहीं है कार्टेल में से। कार्टेल तो उसको बेचने का काम नहीं ना है। जी सर, बेचने का काम जिसको रहेगा वहाँ एसी देंगे, एसी रहेगा ताकि उसे प्रॉफिट का पता चले, पता चले। तो देखिए यहाँ पर ये नीचे पॉइंट है, यहाँ से गिराना है, यहाँ गिरेगा ये ऊपर जाएगा, यही घर हो गया लाभ। फिर एसी को यहाँ से पास कराएंगे, यहाँ मिला देंगे, ये घर हो गया लाभ। दाम है पी, दाम इसका भी पी होगा, दाम इसका पी होगा। ओ म्यूट करो, म्यूट करो। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये घर लाभ हो गया, ये घर लाभ हो गया। अब ये वो का बड़ा छोटा हुआ उससे मतलब नहीं है। पी ए बी सी इसका लाभ है, इसका लाभ है पी ए वन बी वन सी वन, दोनों लाभ को डिपॉजिट कर देगा किसके पास? कार्टेल के पास। ये प्रोडक्शन ओएम कर रहा है, ये प्रोडक्शन ओएम टू कर रहा है और ये कार्टेल का संतुलन हुआ है यहाँ पर। म्यूट करो, किसका बज रहा है इतना आवाज? चित्र बन गया, कार्टेल में कार्टेल को एसी पेसी से मतलब नहीं है, उसको लाभ कमा के कौन देगा? फर्म ए और फर्म बी। अब लाभ कमा के दे देगा, आप गौर से देखिए, वो का लाभ बड़ा है, वो का लाभ छोटा है। तो बड़ा छोटा से मतलब सब डिपॉजिट कर दीजिए कार्टेल को, और कार्टेल उसको बांटेगा विभिन्न फर्मों के बीच में, सबका साइज देखेगा और परसेंटेज देखेगा, कितना साइज है कितना परसेंटेज है। मान लीजिए कोई 40% साइज है, किसी का 60% साइज है, तो लाभ जो कमा के लाएगा उसमें 40 वाले को 40% देगा
आप 60 वाले को 60% देगा। ऐसा रेयर है कि दोनों का बराबर होगा, अगर दोनों का बराबर होगा तो 50-50 देगा, लेकिन जनरली बड़ा छोटा रहता है, कुछ फर्में रहता है ओलिगोपोली में, कुछ फर्मों के लिए हम लोग दो फर्म लेते हैं, तो दोनों फर्म का आकार जो है एक का छोटा रहेगा एक का थोड़ा बड़ा रहेगा, दोनों में माइनर डिफरेंस रहेगा, तो जो माइनर डिफरेंस होगा उसी माइनर डिफरेंस से वो लाभ की प्राप्ति होगी। दोनों फर्में लाभ कमाकर कार्टेल को देगी, कार्टेल को देगी और कार्टेल के द्वारा होगा। लाभ का वितरण किसके द्वारा होगा? कार्टेल द्वारा। लाभ का वितरण किसके द्वारा होगा? कार्टेल के द्वारा। तो आकार होगा, जिसका बड़ा उसको ज्यादा मिलेगा, आकार छोटा उसको छोटा मिलेगा, दोनों का परसेंटेज देख करके जी सर बन गया। दरअसल समझ में आइए, वीडियो ओपन कीजिए। प्रणाम सर। प्रणाम सर। मुझे प्रणाम। प्रणाम सर। आज वीडियो ओपन करो। प्रणाम सर। प्रणाम सर। थैंक यू सर। Thank you.
एक राउंड सब आदमी चित्र बना के व्हाट्सएप पर भेजिए इसको। थैंक यू सर। जी सर। प्रणाम सर। प्रणाम सर। प्रणाम सर।